हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल आक्षस कुकिंग रूम। बेस किछुदिन पर आमी आबारो हाजिर हलम एक नतून रेसिपी निये जार नाम होच्छे फ्रूट कस्टार्ड। एबं एटा आमी खूब स्वास्थ्यकर उपाये तैरि करेछि एबं एर मध्ये विभिन्न धरनेर फ्रूट्स आछे जेटा किना बाच्चादेर जन्य खूबई भालो। ताहले चलुन कथा ना बाड़िये शुरू करी एबं भिडियो शुरू करार आगे सबाईके अनुरोध करछि, जारा एखोनो आमार चैनलटिके सबस्क्राइब करेनि, प्लिज 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 आमार चैनलटिके सबस्क्राइब करो ओ पाशे थाका बेल आइकनटि बाजिये अवश्य हमें सपोर्ट करें। भिडियोगलो जो भलो लागे लाइक कमेंट और शेयर करते क्योंकि भूलें ना। और एक कथा बोले दीची हमारे भिडियोते व्यवहार करा उपादान जदि आपनादेर बुझते किंबा परिमाणटा बुझते जदि असुविधा है ताहले कष्ट करे एकटु डेस्क्रिप्शन बक्सटा चेक करे नेबेन, कारण सेखाने आमी सब धरनेर उपादानेर नाम एबं एर परिमाणटा खूब सुंदरभावे लिखे दिएछि। ताहले चलो एबार कथा ना बाड़िये शुरू करि। कस्टार्ड तैरिर जोन्नो एखाने आमी सर्वप्रथमे निये निएछि 2 टेबिल चामच कस्टार्ड पाउडार एबं एटा आमी केना कस्टार्ड पाउडार यूज करेछि खूब शीघ्रई एर एकटी भिडियो आमी आमार चैनेले आपलोड करब। एखन एर मध्ये दिए दिच्छि नर्मल टेम्पारेचारे थाका लिकुईड दूध 6 टेबिल चामच, अवश्य एखाने ठंडा दूध यूज करते हबे ना होले किन्तु एटा दला पेके जाबे। ओभाबे खूब भालो करे एटाके आमी मिक्स करे निएछि। और एखाने अन्य एकटी पात्रे आमी 3 कप दूध के जाल करे घन करे निच्छि। आर चुलार आँचटा किन्तु एखन मीडियम थेके लोते आछे, एबार एटाके अनबरत नाड़छि जाते एते कोनो शर्ट ना जमते पारे। खूब भालोभावे एटाके घन घन नेड़े जेते हबे। एबार एर मध्ये आमी दिए दिब सेई कस्टार्डेर मिश्रणटा, एक हाथ दिए नाड़ते हबे स्पैचुलाटा और अन्य हाथ दिए एटा ढालते हबे। एक क्षेत्र में अपना अन्य एक सहाज्य नीते अनबरत नाड़ते हैं। नाड़ते नाड़ते देखें एक पर्यायर अनेकटा घन हो एसेछे। एबार एर मध्ये दिए दीची 2 टेबिल चामच चीनी। चीनी एक बुझे दीबें, अपना जी एक मिष्टि बेशी खान ताहले आरेकटू बेशी मिष्टि दिए दीते पारें। एखन देखुन अनेकटा किन्तु एटा घन हो एसेछे कस्टार्डेर मिश्रणटा। एखन किन्तु अनबरत नेड़े जेते हबे। एक आंगुल दिए आमी देखे निच्छी एटा ठीक कतटा घन हयेछे। देखुन आमार दागटा किन्तु सम्पूर्ण साथे साथे मिले जाच्छे ना, कारण एटा बेश खानिकटा घन हये एसेछे। आमी आरेकटू घन करे निब। आर एई पर्याये किन्तु कोनोभावे नाड़ा थामानो जाबे ना, ताहले किन्तु नीचे लेगे जाबे एबं जखन स्पैचुलाटा घोरानो हबे तखन किन्तु कालो कालो किछु अंश देखा जाबे, जार कारणे किन्तु कस्टार्डेर मिश्रणटा खेतेओ भालो लागे ना एबं देखतेओ भालो लागे ना। एखन आमि आरेकटु अनबरत नेड़े नेड़े एटाके आरेकटु घन करे निब। देखुन आमि किन्तु अनबरत नेड़ेई जाच्छि, आपनारा चाइले अन्य आरेकजनेर सहाज्य नीते पारें जदि हाथे व्यथा है। और ये काजटा कराटा किन्तु आसले एकटु कष्टसाध्य और अनबरत एटाके नाड़ते हबे। ठीक एटा करते आमार 10 থেকে 15 মিনিট समय लेगेछे दूधटाके घन करे एभावे कस्टार्डेर मिश्रणटा दिए भालो करे मिशिए नीते। देखुन एटा किन्तु एबार प्राय घन हये एसेछे। एबार एटाके आमि फ्रिजे रेखे दिच्छि ठंडा करार जन्य। अन्यदिके आमि 5 रकमेर फल के टुकरो करे केटे निएछि। एखाने आमि आनार बा बेदाना जेटाके बला हय सेटा निएछि अर्धेकटा बा हाफ कप। 8 থেকে 10টা आंगुर के छोटो टुकरो करे केटे निएछि। एकटी छोटो साइजेर आम के टुकरो करे केटे निएछि। आर एखाने निएछि एकटी छोटो साइजेर आपेल और एकटा छोटो कला। एगुलोके एबार एकटु आलतो हाते मिक्स कर दीची। और हाँ बोले दीची एखे हमें सब धरण फल 1/4 কাপ कर नहीं बसि जोरे मिक्स करते जा जस्ट आलतो हाथ एक मिक्स करबें। এভাবে যখন আলতো হাতে এটা মিক্স হয়ে যাবে তখন এর উপরে আস্তে আস্তে দিয়ে দিব সেই ঠান্ডা করে নেওয়া কাস্টার্ডের মিশ্রণটা।
এটা দিয়েও খুব আস্তে আস্তে মিশিয়ে নিতে হবে, যাতে করে আমগুলো গলে না যায় কিংবা এটা দিয়ে বেশি ঘাটাঘাটি করা যাবে না। আপনার সম্পূর্ণ মিশ্রণটা দিয়ে কিন্তু এটা মেশাবেন। এভাবে আমি ভালো করে মিক্স করে দিয়ে উপরে সৌন্দর্যের জন্য আমি কিছু বড় টুকরো করে কাটা ফল দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে দিচ্ছি আঙুর, আপনারা আপনাদের ইচ্ছে মতো ডেকোরেশন করতে পারেন বা এটা ছাড়াও খেয়ে নিতে পারেন, কোনো প্রবলেম না। এখন দিয়ে দেব কলা, এরপর দিয়ে দিব আমি কিছু আনার। দেখুন কত সহজেই তৈরি হয়ে গেল আমার এই ফ্রুট কাস্টার্ডটি। আর রেসিপিটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই বাড়িতে ট্রাই করবেন, আমার জন্য দোয়া করবেন। এবং আজকের মতো এখানেই বিদায় জানাচ্ছি। আর হ্যাঁ, এটাকে কিন্তু এভাবেই পরিবেশন করবেন না আপনারা, অবশ্যই এটাকে ফ্রিজে রেখে 2 ঘন্টা ঠান্ডা করে নিয়ে তারপর এটাকে সার্ভ করবেন। তাহলে, কারণ ঠান্ডা ঠান্ডা কাস্টার্ড খেতেই কিন্তু বেশি মজা লাগে। তাহলে আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি, আল্লাহ হাফেজ।